एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद। अब सूक्ष्म जीव हमारी बहुत सी औषधियों का भी हिस्सा है। औषधि माने दवाई। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग की तरफ अब हम चलते हैं। बहुत सारी प्रतिजैविक औषधियां होती हैं। जब आपको बुखार आता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अधिकतर डॉक्टर आपको प्रतिजैविक औषधि देते हैं, जिसका निर्माण भी किससे होता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा, जीवाणु और कवक से। किन किन सूक्ष्म जीवों से? जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग किया जाता है। ये ज्यादातर जीवाणुओं पर काम करते हैं, रोग कारक जीवाणु, जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़े थे, जैसे क्षय रोग का जीवाणु या टाइफाइड रोग का जीवाणु। इनके लिए प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण होता है। प्रतिजैविक औषधियों के उदाहरण है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। नाम डिफिकल्ट है, आपको लर्न करने हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये हमारी प्रतिजैविक औषधियों के उदाहरण हैं। कमाल देखिए, ये सूक्ष्म जीवों से ही बनती है और जीवाणु के अगेंस्ट ही इसका उपयोग किया जाता है। जीवाणु के रोगों से लड़ने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। ये कैसे पता चला? क्योंकि ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं। प्रतिजैविक औषधियां क्या करती हैं? बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं, उनकी वृद्धि को रोकती हैं। सबसे पहले प्रतिजैविक औषधि थी पेनिसिलिन। सबसे पहले किस प्रतिजैविक औषधि की खोज हुई? पेनिसिलिन की। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी। वो क्या कर रहे थे? जीवाणु रोगों के बचाव हेतु कुछ संवर्धन, कुछ प्रयोग कर रहे थे। जीवाणु रोग यानी जीवाणुओं से फैलने वाले रोग, तो उनसे रोकथाम के लिए वो कुछ उपयोग कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि पेनिसिलियम के जो फफूंद है, कुछ फफूंद थे वहां पर, वो जीवाणुओं को नष्ट कर रहे थे, रोक रहे थे। तो इससे उन्होंने ज्ञात किया कि हम कवक द्वारा जीवाणुओं से लड़ने के लिए औषधि का निर्माण कर सकते हैं, जिसे प्रतिजैविक औषधि कहा जाता है। तो ये था इसका औषधीय उपयोग। पशु आहार, कुक्कुट आहार, इनमें भी औषधियों का प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों के संचरण को रोकना है। पशु आहार, कुक्कुट आहार यानी मुर्गियों के आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, और हमें भी हमेशा डॉक्टर देते हैं प्रतिजैविक, लेकिन हमें प्रतिजैविक बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेने चाहिए। प्रतिजैविक हमेशा हमें डॉक्टरी सलाह से, और उसका कोर्स हमें हमेशा पूरा करना है। यदि आप एक बार बीमार हुए और डॉक्टर ने आपको प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि दी सुबह शाम खाने के लिए और आपने उसका कोर्स कंप्लीट नहीं किया, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, या दोबारा से जब आपको प्रतिजैविक इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आपका शरीर उस तरह से आपको एक्टिव नहीं कर पाएगा बीमारियों के खिलाफ। और वैसे भी बिना डॉक्टरी सलाह के प्रतिजैविक लेने से हमारे शरीर में जो मित्रवत सूक्ष्म जीव है, जैसे चैप्टर के नाम में है, मित्रवत सूक्ष्म जीवों को भी ये नष्ट करते हैं। इसका कोर्स हमें हमेशा कंप्लीट करना है, समय पर दवाई लेनी है, क्योंकि नहीं तो ये आपके शरीर में बीमारियों के खिलाफ एक्शन करना बंद कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये था सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग।